हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की रेसिपी में बनाएंगे दो तरह की आइसक्रीम। एक है चॉकलेट फ्लेवर और ये हमारा कस्टर्ड फ्लेवर की वनीला आइसक्रीम। चलिए गाइस, देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो गाइस, कस्टर्ड वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए आइए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 कप मिल्क ले रखा है, यहाँ पर हमने 2 कप यूज़ करना है दूध। एंड यहाँ पर 2 टेबल स्पून कस्टर्ड वनीला फ्लेवर का लिया हुआ है एंड 2 टेबल स्पून हमने शुगर लिया हुआ है। चलिए गाइस, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये आइसक्रीम बहुत ही इजी है और इसे घर में बना के बच्चों को खिला सकते हैं जो कि आजकल लॉकडाउन में बाहर से नहीं ले सकते। गाइस चलिए, सबसे इजी तरीके से आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 कप दूध डाल देंगे। दूध बिल्कुल गर्म नहीं रखेंगे, हल्का लुकवार्म रहेगा या फिर ठंडे ही दूध में पहले मिक्स कर लेंगे। ये डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, शुगर, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। गैस चूल्हे पर रखने से पहले अच्छी तरह से इसको दोनों चीज़ें डाल के मिक्स कर लेना है। इसे बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देंगे कस्टर्ड पाउडर का। ये लीजिए, मिक्स हो गया। चलिए अब इसको गैस चूल्हे पर रखते हैं। गैस यहाँ पे हमने गैस चूल्हे पे इसको रख दिया और इसको बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये फिर नीचे जमने लग जाएगा। कस्टर्ड नीचे तले में लगने लगता है ना, फिर पैन में तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको बराबर जब तक ये जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता इसको चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। जी देखिए, ये गाढ़ा होने लगा ना, ठीक होने लगी। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल से लो कर देंगे। बस गैस ये देखिए, ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में वो आ गया ना, तो इसको गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रखना है। ये देखिए, अब हमने इसको बॉल में डाल दिया है ना कस्टर्ड, तो अब इसे हमने फ्रीजर में रखना है बिल्कुल ठंडा होने के लिए। 1-2 घंटे के लिए इसको बिल्कुल ठंडा होने रहने देंगे। अब ये हमारा आइसक्रीम रेडी नहीं हुआ है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं इसको बनाने के लिए। गाइस अब ये जो आइसक्रीम है ना, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ना बनाने का, कि अब हमने क्रीम तैयार करनी है। व्हिप क्रीम तो हमारे पास नहीं है, अभी लॉकडाउन में हमने अभी नहीं मंगाया, तो हमने ऑनलाइन ये व्हिप क्रीम का ये पाउडर है उसको मंगा लिया है। गाइस यहाँ पर देखिए, सब आसानी से मिल जाता है और यहाँ पर पूरा इसमें लिखा रहता है कि हमने कैसे बनाना है इसको। गाइस यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो पाउडर है ना, इसको हमने डालना है एक बाउल में और इसमें हमने बिल्कुल चिल ठंडा पानी डालना है 90 ml। तो गैस यहाँ पे हम पानी की जगह ये आइस क्यूब है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरी ट्रे जो है आइस क्यूब की, उसको डाल देंगे। हमने इसमें एक पाउडर है ना, इसमें हमने हाफ डाल देना है, हमने हाफ ही यूज़ करना है क्योंकि हम 2 कप ये आइसक्रीम, 2 कप ही मिल्क यूज़ किया है हमने आइसक्रीम बनाने के लिए। इसको हम हाफ यूज़ करेंगे और हाफ इसको रख देंगे, अच्छे से सील करके इसको रखना है, इसलिए इसमें नमी ना पहुँचे। तो गाइस अब हमने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेना है, क्रीम तैयार कर लेनी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। बस 1-2 टेबल स्पून के अंदाज से ही डालना है, जिससे कि हमारा ये जो बर्फ है ना आइस, थोड़ी सी जल्दी से घुलने लग जाएगा और हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। गाइस यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें और मिलानी है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हम एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं, तो उसका बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसको डाल सकते हैं। और साथ यहाँ पे हम डालेंगे वनीला एसेंस, तो डालना चाहिए, कोई ड्रॉप्स इसकी डाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास है कुछ चॉकलेट चिप्स, तो क्रंची से टेस्ट आएगा ना, अगर
अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। ये सब ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है गाइस, तो मंगा सकते हैं। जब इसको बीट कर लेते हैं गाइस, जहाँ घर पे आइसक्रीम बना रहे हैं ना, तो आप अपने फ्लेवर का कुछ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, जो भी पसंद है। देखिए अभी जो हमने कस्टर्ड रखा था ये थोड़ा सेट हो गया है ना, अब इसको इसमें डाल देना है, पूरा इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गाइस अभी हमने जो भी क्रीम बनाई थी और कस्टर्ड वाला जो क्रीम बनाई थी, दोनों को मिक्स करके बीट कर लिया। तो गाइस अब इसको रखते हैं डिब्बे में, उसको रखेंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए। गाइस यहाँ पे हमने इसमें डाल देना है। गाइस इसके ऊपर हमने थोड़े से चेरीज डाल देने, यानी कि टूटी फूटी आइसक्रीम हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया सा, इसको कवर कर देते हैं। इसे रखेंगे फ्रीजर में, तो हमने 3 से 4 घंटे बिल्कुल इसको टच नहीं करना है, बिल्कुल चिल होने देना है, जम जाने देना, फिर निकालेंगे। वैसे देखिए हमने पहले से भी रखा हुआ है ना, ये क्रीम जो है हमारा क्रीम बना के चॉकलेट फ्लेवर में हमने रखा हुआ है कि जब भी आइसक्रीम बनाना हो आसानी से बना सके। तो आप इस तरह से भी अपनी इस व्हिप क्रीम को पाउडर जो है ना, उसको ऐसे क्रीम बना के रख सकते हैं फ्रीजर में। जब भी आइसक्रीम खाने का मन हो आप इसको मिक्स करिए और इसको इसमें दूध की किसी भी उसमें फ्लेवर में जिस तरह से भी बनाना चाहें डाल के आइसक्रीम बना सकते हैं। गाइस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इस क्रीम को हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि अब हमने चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनानी है। इसको भी बीट कर लेते हैं। गाइस अभी इसमें चॉकलेट कोको पाउडर थोड़ा डालेंगे, जिससे कि बढ़िया सा चॉकलेट फ्लेवर आएगा, कलर भी आएगा। इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देना है। इसको मिक्स कर देंगे पहले। इसको भी डिब्बे में डालते हैं और सेट होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट फ्लेवर में है तो अब इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल देंगे। इसको रखते हैं फ्रीजर में सेट होने के लिए, एयर टाइट बिल्कुल बॉक्स में रखना है। गाइस यहाँ पे हमने टपरवेयर का ये बॉक्स यूज किया है, बहुत ही बढ़िया एयर टाइट हो जाता है, इसमें चीजें बहुत ही अच्छी तरह से सेफ रहती है। चलिए अब इसको रखते हैं फ्रीजर में। गाइस यहाँ पे हमने आइसक्रीम के बॉक्सेस निकाल लिए हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं कैसे सेट होते हैं। देखिए हमने इसको ढक्कन के नीचे ये पॉली बैग भी लगाया था, ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए इसको यहाँ पे इसको लगाने से इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमेगा, तो ये बढ़िया सी आइसक्रीम बनेगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो चुकी है हमारी आइसक्रीम। इन्हें हमने कप में डालना है, चलिए इनको कप में निकालना है। ये देखिए
है जी। देखिए बढ़िया से सेट हो गई है ना। ये देखिए फटाफट कितनी बढ़िया सी यम्मी टेस्टी आइसक्रीम बन गई है। देखिए कितनी बढ़िया टेस्टी जम गई ना झटपट से होममेड आइसक्रीम। तो गाइस इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा।